गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रशांत एंड यू आर वॉचिंग रोड मोटो। सो दिस इज़ द डे टू ऑफ अवर लेह लद्दाख राइड। हम हैं बनिहाल में, सो हम श्रीनगर होते हुए जाएंगे। श्रीनगर में विल एक्सप्लोर श्रीनगर अ लिटिल बिट, प्राइमरली डल लेक, और फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे हम वहाँ से कब निकलते हैं। लेकिन अभी तो यार सबसे पहले भूख लग रही है बहुत तेज़, तो सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे। मनोज मुझे देख के स्माइल कर रहा है कि क्योंकि कल मैंने उसको खाने नहीं दिया था। मैंने बोला था हम जम्मू पहुँच के खाएंगे या जम्मू के बाद खाएंगे, और फिर हमें आगे तक कुछ नहीं मिला था खाने के लिए। बाइक्स अपनी रेडी हो गई है, गंदी थी। सो हम श्रीनगर होते हुए जाएंगे। श्रीनगर में विल एक्सप्लोर श्रीनगर अ लिटिल बिट, प्राइमरली डल लेक, और फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे हम वहाँ से कब निकलते हैं। वॉचिंग, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड सी यू ऑन द रोड। जय हिंद। जो कल हमने देखा था वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, और एक्चुअली वो ट्रेलर भी किसी भी तरीके से जन्नत की इस खूबसूरती को डिस्क्राइब नहीं करता था। जिस जगह से हम निकल रहे थे ये वाकई में एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे आप यूरोप में हैं। और हम पहुँच गए श्रीनगर। सर ये डल लेक का कहाँ से होगा? डल लेक पीछे रह गया। डल लेक पीछे रह गई। मुझे चौका ना। हाँ जी। वहाँ से जाना पाए। इधर से जाओ, ऊपर जाओ। अच्छा यहाँ पाए। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। मैं इमेजिन कर रहा था कि अगर शहर खुला होता तो कितनी भीड़ होती यहाँ पर, लेकिन डल लेक को देखकर न जाने क्यों मुझे नैनीताल याद आने लगा। भाई बढ़िया था। नहीं नहीं दोस्त, खाने वो रहना नहीं है, खाना को कहाँ मिलेगा बताओ। हाँ नहीं नहीं, वहीं खाने रेस्टोरेंट ढाबा टाइप का में चाहिए। देखते हैं, हाँ खा लेंगे। आगे जाना, आगे है भैया। चलो ठीक है यार। कोरोना और फ्राइडे की वजह से यहाँ सब बंद था। हम भूख से बेहाल थे और ये नज़ारे शायद हमें दिख ही नहीं रहे थे। खाना खाने के बाद हमने एक छांव वाला स्पॉट ढूंढा और कुछ शॉट्स लिए। अब जब हम राइड पूरी कर चुके हैं, ये अफसोस होता है कि काश हमने शिकारी पर एक रात तो बिताई होती। श्रीनगर पहुंचते पहुंचते हम ना सिर्फ गर्मी से परेशान हो गए थे बल्कि भूखे भी थे, इसीलिए श्रीनगर को ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाए। लेकिन ये मन बना लिया है एक ट्रिप सिर्फ कश्मीर की जरूर करनी है, और जल्द ही करनी है। और जैसे ही हमने श्रीनगर क्रॉस किया, हमें एक ब्रिज क्रॉस करना था जिसका नाम था वायु। सिंध नदी के बगल में हमें एक जगह दिखी, और उस जगह को देखकर बस यार मन किया कि यहाँ रुक जाओ। और वो अंदर से आवाज़ आती है ना कि यहाँ तो रुकना है यार, 5 मिनट ही सही, लेकिन यहाँ रुक के ज़रूर जाना है। वो इतनी पीसफुल वो जगह लग रही थी, इतनी अच्छी वो जगह लग रही थी। और यही रीज़न है कश्मीर की ब्यूटी का कि हर मोड़ पर एक ऐसी चीज़ हमें दिख जाती थी कि हम बस मन हो जाता था कि हम रुक जाएं यहाँ पर। तो गाइज ये है हमारे जो हार्ड वर्किंग पुलिस पर्सन यहाँ पे, और ये सबके यहाँ RT-PCR चेक हो रहा है, और इन्होंने ये बहुत सबकी हेल्प कर रहे हैं, हमारी भी बहुत हेल्प करी, हमें गाइड किया, हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, और थैंक यू भैया। चलो चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यार। थैंक यू। चलो अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? बिल्कुल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक, अपना ख्याल रखना, आपकी जो लाइफ है बहुत ही कीमती है आपके घर वालों के लिए, ठीक है? अपने यार दोस्तों को भी मेरा सलाम कहना। बिल्कुल, शुक्रिया के प्लीज यार। क
कश्मीर की खूबसूरती वाकई बेमिसाल है। हर मोड़ पर ऐसा मन होता था कि बस यहीं रुक जाओ। पहाड़, एक फर्स्ट क्लास रोड और नदी, हर जगह पहाड़ों पे हमें खाई दिखती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वैली ही वैली दिखती है। ऐसा लगता ही नहीं कि आप लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर हो। अरे ये रहिए, ये रहा नदी के बगल में। हाय, हाँ जी, हाँ यस सर, बैक साइड में अच्छी पार्क है, आप टेंशन मत लो। ये हमें नदी के बगल में बैठना है वहाँ पे सर, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे मेहमान कहाँ से? हमारे मेहमान दिल्ली से। पहले से सर आप वॉशरूम वगैरह जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, फिर जहाँ पे वॉशरूम नहीं, बस हमें 5 मिनट चाय पीनी है और दिल्ली चाय, वहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं, इसलिए मैं बोल रहा था सर। वहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है। चाय, कड़क कहवा? हाँ यार, बट आई डोंट लाइक इट। ओके, नो प्रॉब्लम। काढ़ा वो, सॉरी वो इज मेड ऑफ सैफ्रन। हाँ मालूम है, ड्राई फ्रूट्स। हाँ, मेरे को चाय, कड़क चाय। अलोंग विद सर योर वेज नॉनवेज? ब्रेड पकोड़ा है। यस, योर राइस और नॉनवेज? नॉनवेज। देन यू वांट टू कबाब प्लांट? यू नो सर कबाब? अरे हिंदी में बोलो, हिंदी कबाब सर जानते हो? हाँ हाँ, कबाब, कश्मीरी कबाब प्लांट है। नहीं है, लेकिन अभी हम ना लंच करके आए अभी। As you wish, sir, वो एक ब्रेड पकोड़ा दे दो बस, या पकोड़े खाने? नहीं आएगा, अगर आप खाओगे सर एक प्लेट स्नैक्स मिल जाएगा। या पकोड़े खाने? तो लो भैया, हमारा यहाँ पे अभी, इसको लंच बोल लो, जो मर्जी बोल लो आप इसको। और वहाँ पे नदी बह रही है जिसकी आवाज़ आ रही है मेरे को, आप वो देखो वाइट वाइट वजह, वो नदी बह रही जिसकी आवाज़ आ रही है। बहुत प्यारी लोकेशन है यार ये, वो वहाँ के मेन रोड है, वहाँ से हम उसके अंदर आ गए। सर ये मैंने लाया सर, ये सर ये कबाब है सर। ओके, कांती कबाब। प्लान ये है कि यार हम यहीं रुक रहे हैं, यहीं रुक रहे हैं हम। यहाँ से सोनमर्ग 36 किलोमीटर्स है, और सोनमर्ग में भी क्या है यार, ये एक नेचुरल ब्यूटी है। नेचुरल ब्यूटी भी है, अभी अगर टाइमिंग बताऊँगा मैं आपको तो अभी इट्स ऑलमोस्ट 6, और सोनमर्ग जाते जाते हमारे को 7 बजने वाले हैं। होटल वगैरह ढूंढेंगे तो वो 8 बज जाएंगे, और हम वैसे भी सुबह तो निकल जाएंगे, सुबह 6 बजे हमें निकलना ही निकलना है, क्योंकि हमें कारगिल पहुंचना है। तो अगर हम निकल जाएंगे तो फिर हम एक्सप्लोर ही क्या करेंगे? सोनमर्ग में कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, और आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पाएंगे अगर एक्सप्लोर नहीं करेंगे। तो विल पास सोनमर्ग, रास्ता वही है, तो हम सोनमर्ग से जाएंगे तो विल कैप्चर सम, कैप्चर सम गुड मिलेंगे सोनमर्ग में भी। आपको दिखाएंगे क्या चीज है दिखाने के लिए, क्या नहीं है दिखाने के लिए। हमारा प्लान भी ये था कि हम चलेंगे, बस हमें पता है कि इस रोड पे चलना है, और उसके बाद हमें जहाँ पे ढंग की जगह मिलेगी हम वहाँ पे रुक जाएंगे। आई थिंक जितने में हमें यहाँ पे रूम मिला है उतने में ही हमें सोनमर्ग में भी शायद या थोड़ा सा ज्यादा में मिल जाता, मतलब 100-200 रुपए का फर्क होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता। बट द थिंग इज दैट यू नो, ये एक सिक्लूडेड सी एरिया है, थ्यून करके नाम है इस जगह का, और यहाँ पे एक बंदा मिला जैसे मैंने। हाँ। कश्मीरी लोग बहुत अच्छे हैं यार, मतलब बहुत सपोर्टिव है। आई डोंट नो के मतलब किसका कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा, आई कॉन्ट कमेंट ऑन दिस, बट यस जो हमारा एक्सपीरियंस है ना अभी तक का, भाई लव यू ऑल कश्मीरी। So imagine waking up to a place like this. वो west है, वहाँ पे sunset हो रहा है, और east में यहाँ पे होगा, तो हम जब tent लगाएंगे वो east facing लगाएंगे, और सुबह उठेंगे तो first light of sunlight. ओए होए यार, मतलब ये सोच के भी ना मेरे को बहुत excitement हो रही है। तो चलो guys मिलते हैं, अभी पहले tent वेंट सेटअप करते हैं अपना, तो फिर मिलते हैं और फिर बात करते हैं आपसे। बकरी पकड़ी? तो भाइयों, आज की लोकेशन अपनी ये है, यहाँ पे अपना कैंप लगेगा पूरा का पूरा, एंड सी। क्यों क्यों बोल रहे? सोनमर्ग हाईवे, ढाबे का राजा होटल, दूसरे नंबर सामने सलीम। ये होटल ओनर है, ये होटल ओनर है, ये भाई हमारा होटल ओनर है, मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान भाई का नाम राजा भाई के नाम से फेमस है।
ये लग गया हमारा टेंट और ये रही आग और ये रहे मनोज भैया खाना खाते हुए। So guys, this is the end of our day two of the ride. हम आज बनिहाल से हम लोग आज चले थे और वैसे ही रोड थोड़ी ख़राब थी, टनल के बाद भी थोड़े सा ट्रक और वो था, ट्रैफिक था, तो पहुँचते हमें काफ़ी टाइम लगा। श्रीनगर हम लोग गए, श्रीनगर में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, वहाँ पे एक्चुअली बहुत गर्मी थी। डल लेक का वीडियो आपने देख ही लिया होगा। उसके बाद हम लोग सीधे सोनमर्ग के लिए निकल गए और रास्ते में हमें लगा कि यार चाय पीनी चाहिए यहाँ पे एक जगह पे बैठ के। हमने चाय पी और उसके पीछे उसने बोला कि सर आप पीछे जाके आराम से बैठिए, हम वहाँ पे जाके आपको सर्व कर देंगे। हम पीछे गए और एक्चुअली पीछे जब हम गए तो वो जो नज़ारे आपने देखे थे वो उस जगह के हैं। एंड देन वी डिसाइडेड कि सोनमर्ग इज़ ओनली अबाउट 30 किलोमीटर्स एंड सोनमर्ग जाके भी हम यही करने वाले थे, तो वी डिसाइडेड टू स्टे हेयर। और हमने कहा कि यार हम रूम ले लिया, लेकिन हमने कहा कि हम रूम में अपने गैजेट्स वगैरह लगा देंगे चार्जिंग के लिए, बट हम लोग कैंप और टेंट लगा के यहीं पे रहते हैं। तो बहुत मज़ा आया, हमने बॉनफायर भी किया, हमने मज़ा बहुत किया, व्यूज़ तो बहुत अमेजिंग थे ही। और अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं, हम बिल्कुल लेट चुके हैं, तैयार हैं, ये हम स्लीपिंग बैग में लेके टेंट में बिल्कुल फिट हो गए। सो विल एंड दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपने डे वन वाली वीडियो नहीं देखी है तो डे वन वाली वीडियो प्लीज़ देखिए, बेल बटन दबा के नोटिफिकेशंस को एक्सेप्ट कर लीजिए। हम आगे कहाँ कहाँ राइड करेंगे, हमने डेस्टिनेशन सोचा हुआ तो है बट कोई भी प्लान नहीं है एंड विल नॉट स्टिक टू द प्लान, एंड दैट इज़ वाई दिस राइड इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग राइड फॉर अस एंड फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग इट। तो आप लोगों के लिए भी ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, हमारे एक्सपीरियंस से शायद आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले, शायद कुछ गाइडेंस मिले, और आप भी अगर ट्रैवल करते हैं तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। और कश्मीर तो देखना बनता है यार। तो विल एंड दिस वीडियो टुडे एंड सी यू टुमारो ऑन द रोड। जय हिंद।